अभी मेरे पास लैपटॉप आया है, मैंने उसको देखा, ये सोट है हमारा, इसका पार्ट नंबर है LA9632P। मैंने ऑब्जर्व किया तो ये यहाँ से जला हुआ है, ये किसी और शॉप पे गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा, क्योंकि इस पर आईसी लगाने की जगह भी नहीं है और ये प्रॉपर शॉट है यहाँ से। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने अभी ये मार्केट से परचेज किया है बग कंट्रोलर। तो जो मैंने चेक किया, ये हमारा 3.3 सेक्शन का है, मैंने सेमेटिक से चेक किया है इसको। अब मैं इसको यूज करूँगा, मैं इसको 3.3 वोल्ट का आउटपुट यूज करके निकाल कर इसको मैं लगा के चेक करता हूँ ये इस पर चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं ये सर्किट सारा हमारा जला हुआ था, मैंने इसकी कनेक्टिविटी की है, ये हमारे माइनस, मैंने दोनों ग्राउंड है, एक कैपेसिटर का ग्राउंड है, मैंने दोनों यहाँ पे ग्राउंड दिया, और इनपुट पे इसके हमारे 15 वोल्ट दे सकते हैं और ये 90 वोल्ट भी काम करता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मॉसफेट के पास डायोड है, ये 90 वोल्ट इंसर्ट कर दी इनपुट पे। उसके बाद मैंने इसके तीन आउटपुट निकाले, एक ही उससे 3.3 से, मैंने 3.3 पे शॉर्ट किया, ये हमारा 3.3 का सर्किट है जो बर्न है आईसी, तो मैंने 3.3 शॉर्ट किया, तो ये हमारा आउटपुट भी क्या निकालेगा, 3.3। इसमें मैंने इसकी दूसरी और पांचवी पिन पे 3.3 इंसर्ट किए हैं, और जो है हमारी क्वाइल है इसके मैंने इनपुट पे 3.3 वोल्ट दिया है। तो मैं आपको स्मेटिक के थ्रू बता रहा हूँ कैसे कैसे किया। मैंने SPOK जो हमारा PG गुड सिग्नल है यहाँ पे 3.3 इंसर्ट किया, जम्पर लगाया, और हमारी 5 नंबर की पिन है LDO ऑलवेज 3 वोल्ट VLP, मैंने यहाँ पे भी 5 वोल्ट का 3.3 का जम्पर लगाया, और तीसरा जम्पर हमारा PL402 पिन इंसर्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद हम इसको चेक करते हैं ऑन करके कि हमारा लैपटॉप ओके हुआ या नहीं हुआ। मैं इसको चेक पे लगाता हूँ, हमारे एम्पियर बन गए हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, मैंने ऑन किया तो देखो हमारा एम्पियर प्रॉपर गए, और मैं इसको कीबोर्ड पे चेक करता हूँ, ये हमारी डिस्प्ले आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे रेयर केस में आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ, ताकि अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो आप इजीली ठीक कर पाओ।